जहरीली शराब को लेकर है। उत्तराखंड और यूपी में जहरीली शराब को लेकर हुई मौतों का मामला जो है अब सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है जिसमें पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई या फिर एसआईटी से कराने की मांग की गई है। वकील हरिनाथ राम ने जनहित याचिका दायर की है। इंडिया न्यूज के पास उस जनहित याचिका की एक्सक्लूसिव कॉपी भी आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये बेहद एक्सक्लूसिव कॉपी आप देख रहे हैं। जनहित याचिका दी गई है ताकि जहरीली शराब का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच के न्याय मिल सके मरने वाले लोगों के परिवारों को। इस बीच कई सवाल जो हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सरकार के ऊपर भी खड़े होते हैं। हालांकि जांच के आदेश तुरंत दे दिए गए। 100 से ऊपर लोगों की जान गई। 113 लोग हैं जो बताए जा रहे हैं मौत का शिकार हुए हैं जहरीली शराब पीने से। और अब मामला पहुंचा है सुप्रीम कोर्ट। ये आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पर बेहद एक्सक्लूसिव कॉपी। सुप्रीम कोर्ट में जो दाखिल की गई है जनहित याचिका उत्तराखंड और यूपी में जहरीली शराब को लेकर मौतों का जो मामला है ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में ये जनहित याचिका दाखिल की गई है और इस पूरे मामले की जांच अब सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में करने की मांग की गई है या तो सीबीआई या फिर एसआईटी से कराने की मांग की जा रही है। वकील हरिनाथ राम ने ये जनहित याचिका दायर की है और आप इस समय आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आपके न्यूज चैनल इंडिया न्यूज पर ये बेहद एक्सक्लूसिव कॉपी देख रहे हैं। मेरे सहयोगी आशीष सिन्हा जुड़ गए और जानकारी के साथ। आशीष, मामला तो गंभीर है, अब इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया है, जनहित याचिका दायर की गई है। वकील हरिनाथ राम ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है और उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में पहली बार ऐसा नहीं हुआ या देश के किसी हिस्से में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि जहरीली शराब पीने से बड़ी तादाद में लोग मर रहे हैं। इसके पहले भी कई घटनाएं हुई हैं, लिहाजा जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जो घटना हुई है जिसमें 100 से ज्यादा लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हो गई है, उस पूरे मामले की जांच या तो सीबीआई या एसआईटी से कराई जाए, लेकिन ये जांच कोर्ट की निगरानी में कराई जाए। दूसरी मांग उन्होंने की है कि इस पूरे जो लिकर का जो व्यवसाय है उसको रेगुलेट करने के लिए एक नोडल एजेंसी को नियुक्त किया जाए ताकि अगर इस तरह की घटना होती है तो तुरंत कार्रवाई हो सके। हरिनाथ ने याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी है। दिलचस्प ये होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार होता है या नहीं। बिल्कुल, अब ये देखना बेहद जरूरी हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जनहित याचिका दायर की गई है उस पर सुनवाई के लिए तैयार होता है या फिर नहीं। आशीष सिन्हा, आपका बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो ये वो मामला जिसमें उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर 114 लोगों की गई जान जहरीली शराब पीने से। ग्रामीणों का, स्थानीय लोगों का आरोप के प्रशासन की नाक के नीचे ये शराब जो है बनाई जा रही थी और लोगों तक पहुंचाई जा रही थी। छोटे से